কেমন আছো বন্ধুরা? উপস, তো কেসে আপ লোক? হ্যাঁ, অভি সে মেরা হর এক ব্লগস হিন্দি মে আয়েগা, ক্যুকি বহুত সারে কমেন্টস আ রহে হ্যায় মেরে পাস কে ভাইয়া আপ হিন্দি মে ব্লগ করো, হিন্দি মে ব্লগ করো। তো মানে ভি সোচা কে অডিয়েন্স জাদা মিলতা হ্যায় ইস হিন্দি মে অ্যাকচুয়ালি ব্লগ করনে কে লিয়ে। অর एक दो तीन चार पाँच, हावड़ा सरायगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस हावड़ा से लेके गुवाहाटी तक कम एक्चुअली शेड्यूल 12 स्टेशन पे रुकता है। तो बीच में अगर सिग्नलिंग का कुछ प्रॉब्लम ना रहा तो ये 12 स्टेशन पे तो ये रुकेगा ही। तो पहला स्टेशन बिहार में सिर्फ एक ही स्टेशन आएगा, बाकी सिर्फ वेस्ट बंगाल पे ही होगा, उसके बाद आसाम पे। 3:55 पर यहाँ से हावड़ा से निकलने के बाद शेड्यूल टाइम ऑफ अराइवल इज 10, तो देखते हैं कितना लेट या फिर एग्जैक्टली टाइम पे हम लोग पहुँचते कि नहीं। तो चलिए ये जर्नी शुरू करते हैं। तो 10 मिनट लेट हुआ था जर्नी शुरू करने में, तो 4:05 में हम लोग जब जर्नी स्टार्ट किए तो मेरा जर्नी चालू हुआ अपने IRCTC से में एक कॉफ़ी के साथ। तो बर्धमान फर्स्ट स्टॉपेज है, बर्धमान में भी पहुँचते पहुँचते आधा घंटा लेट हो ही गया था। घंटे लेट से हम चल रहे हैं बर्धमान, अभी 5:34 हुआ है। आधा घंटा लेट से चल रहा है, लाइन पे कुछ काम चल रहा है इसीलिए। तो क्योंकि ये नया कोच था तो टॉयलेट्स भी थोड़ा बहुत क्लीन था, लेकिन मतलब यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए भाई ये लोग टाइम से क्लीनिंग कर रहे थे, जो कि मैंने थ्रू आउट द जर्नी देखा। और टॉयलेट भी समहाउ क्लीन ही था और थोड़ा मॉडर्नाइज भी था टॉयलेट। लेकिन एक चीज़ जो मुझे नहीं मिला था वो पहले पहले फ्लैश काम नहीं कर रहा था, शायद वाटर टैंक में कुछ प्रॉब्लम था। तो जर्नी सब कुछ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते। तो आज तो ये गाड़ी एकदम बैलगाड़ी हो गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन जहाँ पे रुकना नहीं चाहिए वहाँ पर भी रुक रहा है ये गाड़ी। राजग्राम करके कुछ जगह है जहाँ पे स्टॉपेज नहीं था, शायद ये मालगाड़ी के लिए रुका हुआ था। दोस्तों एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि कोशिश करेंगे कि मिडिल बर्थ ना लें कभी भी ट्रेन जर्नी में, क्योंकि अगर आपका कमर दर्द कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, आपको सोने के लिए इच्छा किया तो आप नहीं कर पाएंगे जब तक बाकी को पैसेंजर्स आपको जगह नहीं देते तब तक। दोस्तों ट्रेन को बिना कारण यहाँ पे लेट किया जा रहा है, मुझे पता नहीं शायद कुछ कारण हुआ भी हो,
लेकिन ट्रेन तो है बहुत लेट, बहुत ही लेट है, और मुझे जो लगता है कि कल 10 बजे तो नहीं पहुंचेगा ये गुवाहाटी न्यू फरक्का जंक्शन। डिनर विनर करके सब लोग ऑलमोस्ट सोने के लिए रेडी भी हो गया है, लेकिन मैंने तो ऑर्डर किया है ये रेल यात्री से ऑनलाइन फूड, वो मालदा में डिलीवर होने के लिए शेड्यूल है। देखते अगर ना मिलता है तो मुझे शायद आज बिस्किट खा के रात को सोना पड़ेगा। आधा घंटा 40 मिनट लेट हो गया था, एक्चुअली 1 घंटा 10 मिनट लेट हो गया था। पता नहीं मेरा फूड आएगा या नहीं आएगा, देखते क्या है। बाकी हम लोग मालदा तो पहुंच गए हैं, 15 मिनट लेट है अभी गाड़ी, लेकिन फूड मेरा एक्चुअली पहुंच गया था और बहुत सारे लोग ऑर्डर किए थे इसीलिए फूड मुझे लग रहा था कि नहीं आएगा, लेकिन एक ऑर्डर भैया चर गए थे खाना लेके और मेरा खाना अभी गया था। 3 रोटी, थोड़ा सा पनीर, टेस्ट कैसा है? 177 रुपये, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव है। टेस्ट अच्छा है बहुत, बहुत लोगों ने ऑर्डर किया था तो भैया ने पैसा लिए बिना ही चला गया, अपना नंबर छोड़ के गया, तो उसमें पेमेंट करने के लिए बोल दिया है। पेमेंट तो हम कर ही देंगे लेकिन पहले खा लेते हैं। प्राइस भले ही ज़्यादा हो लेकिन खाना बहुत बढ़िया था। अभी खाना खाने के बाद IRCTC वाला दही, पता तो मुझे लगा ही नहीं था कि खाना आएगा, मैं तो उम्मीद छोड़ ही दिया था फिर, लेकिन फाइनली खाना आया। खाना खा के बहुत अच्छी तरीके से, अच्छा खाना था, स्वादिष्ट खाना था, लेकिन एक्सपेंसिव तो था। 177 रुपीज़ का दो तीन पनीर का पीसेस, 3 रोटी। सुबह मिलते हैं, रात में दो तीन नहीं बहुत सारे प्लेटफॉर्म आएगा यार। सुबह जब आँख खुलेगा तब शायद हम लोग आसाम पहुँच भी जाए, मतलब आसाम पहुँच भी चुके होंगे, तो देखते। तो सुबह बहुत, मतलब मेरा नींद खुला जब हम लोग न्यू बोंगाईगांव तक पहुंच गए थे। बाकी उस टाइम पे मुझे इतना नींद आ गया था खाना खाने के बाद। तो मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, अगर आप चाहते हैं तो रेल यात्री या फिर कोई भी रेलवे ऐप से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आसाम पे आप लोगों का स्वागत है। मैं उठ नहीं पाया जल्दी, तो अभी हम लोग बोंगाईगांव छोड़ के अभी कामाख्या की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जर्नी अभी ख़त्म होने ही वाला है, तो आपने मेरे साथ मेरा सेकंड AC वाला जर्नी एंजॉय किया था, जब मैं हैदराबाद से फलकनामा में रिटर्न किया था, हैदराबाद से फलकनामा में कोलकाता तक आया था मैंने। तो और अब ये जर्नी थर्ड AC वाला जो हावड़ा से गुवाहाटी का, तो ये भी ख़त्म होने ही वाला है। तो आपको कैसा लगा जर्नी मेरे को बताना आप वीडियो में कमेंट और लाइक करके, और अगर आपने ये चैनल में बहुत नए हैं आप लोग तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और यही है, और आगे जाके मैं कोशिश करूँगा एक फर्स्ट AC वाला जर्नी भी आपके साथ शेयर करने के लिए, और मैं जब वापस जाऊँगा वो भी मेरा सेकंड AC का ही है, लेकिन वो हावड़ा तक नहीं, वो सियालदह तक है, तो उसका भी जर्नी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और ज़रूर आप सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो शेयर भी कीजिए वीडियो को। और सुबह आपका ब्रेकफास्ट के लिए कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, IRCTC से ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड हो जाता है, और 8 बजे से पहले ही ये लोग ब्रेकफास्ट लेके चर भी जाते हैं। और मेरे जर्नी ख़त्म होने के लिए आया दोस्तों, और इस टाइम पे ना मतलब रेनी सीजन के एंड पे इतना सुंदर लगता है नॉर्थ ईस्ट। आप अगर नॉर्थ ईस्ट आओगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि ये जो लेक है और लेक का पानी पूरा एकदम स्टिल पानी है, तो कितना सुंदर लग सकता है आपको पता ही है। और आगे जाके एक मोड़ आता है जो जिस टाइम कामाख्या जंक्शन के लिए ट्रेन आगे बढ़ता है, तो इस मोड़ पे पूरा ट्रेन बेंड होके, मतलब पूरा बेंडिंग एक लाइन है वहाँ पर, एक जो दूर पे पहाड़ दिख रहा है आपको लेफ़्ट साइड में, उसी साइड में हम लोग जाएंगे, तो कितना सुंदर नज़ारा है तो आपको दिखने से ही आपको पता चल रहा है।
और ये जो लेक है, लेक बहुत ही सुंदर एक लेक है। तो देखते देखते हम पहुंच गए थे कामाख्या जंक्शन, और 15 मिनट वहाँ पे रुकने के बाद हम लोग आगे निकल गए थे गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी इस जर्नी का मेरा लास्ट स्टॉपेज है और इस ट्रेन का भी। और मैं जब पहले आपको कह रहा था, इस टाइम पे आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक जाम है इस रूट पे, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक ब्रिज बन रहा है यहाँ पर। तो जिसको भी एयरपोर्ट जाना है प्लीज़ आगे निकल लो, मतलब टाइम हाथ हाथ में टाइम लेके निकलो। और देखते देखते हम पहुँच गए थे गुवाहाटी में। तो दोस्तों, अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी है मेरा, प्लीज़ जर्नी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो चैनल को। फाइनली गुवाहाटी पहुंच गए हैं दोस्तों। 25 मिनट लेट हुआ है ट्रेन, जो कि 1 घंटा 10 मिनट लेट से तो अच्छा ही है, पहले से ही लेट हुआ था। आपको ये जर्नी मेरा थर्ड एसी वाला जो हावड़ा से लेके गुवाहाटी तक सराइघाट एक्सप्रेस पे कैसा लगा बताएंगे कमेंट करके ज़रूर। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। और फेसबुक से अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए फेसबुक पेज को भी। दोस्तों, आने वाले किसी एक जर्नी पे और मेरे इस जर्नी पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है चैनल के कंटेंट को ठीक करने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ पे, तो प्लीज़ कमेंट करें। बाय।